कमरुल इस्लाम का नाम है चोर उन्हें चोर है उन्हें और कौन कौन है सर और क्या और एक नाम बोलो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चोर है और एक बोलो हनीस फातिमा का भी नाम लिया चोरी है और एक बोलो और कौन कौन है आप बताइए शेख इब्राहिम धर्म सिंह सड़गी सड़गी और क्या है और कौन सा है परसों परसों आया बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से कल कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के एक्स प्रेसिडेंट अनवर मणिपट्टी साहब गुलबर्गा आए थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसी बहुत सी जगहें हैं, वक्फ लैंड है, जिसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है, उसको बेचा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी जो रिपोर्ट है उसको टेबल नहीं करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के उसमें दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। मेरा यही कहना है अनवर मणिपट्टी को कि अगर आपकी रिपोर्ट अगर सच्ची है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आप कहते हो कि अगर ये एलिगेशंस गलत हैं तो मेरा सर कलम किया जाए, अगर ये एलिगेशंस करेक्ट हैं तो फला फला कर दिया जाए। मैं ठीक है, इस बात को मानते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है अनलेस एंड अनटिल किसी पर्सन के खिलाफ वो प्रूव ना किया जा सके कि वो गिल्टी है या वो उसका जिम्मेदार है, उसे दोषी करार नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो फेक एलिगेशंस हैं। ये एलिगेशंस फेक हैं या ओरिजिनल हैं या प्रूव फैक्ट हो सकते हैं, ये जो भी है वो तो कार्रवाई की बात है, एक्शन की बात है। आप एक्शन की बात कर रहे हैं, सीबीआई के पास जाकर के आप भीख मांग रहे हैं कि कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को टारगेट करके कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं बहुत ही सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की जमीन वक्फ लैंड नहीं थी? क्या बाबरी मस्जिद की जमीन मुसलमानों का इख्तियार नहीं था? क्या बाबरी मस्जिद की जमीन मुसलमानों का हक नहीं था? तब आप कहां सो रहे थे? तब आप कहां पर थे? आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप कर्नाटका माइनॉरिटीज की कमीशन को हेड कर रहे हैं, वहां के वक्फ लैंड के ऊपर भी आप बात करें? आपने वहां पर बात नहीं की। आप मथुरा की जमीन पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बात कहां कर रहे हैं? कर्नाटक की जमीन पर, और कहते हैं कि मुसलमानों को डेवलपमेंट कराने के लिए। ये कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आप अगर मुसलमानों को डेवलपमेंट कराना चाहते तो अपनी मौजूदा सरकार में मुसलमानों के लिए बजट दिलवाते। आप अगर मुसलमानों का डेवलपमेंट कराना चाहते तो शादी महल जैसी स्कीम को जो कैंसिल कर रही है आपकी सरकार, उसको कैंसिल नहीं करने देते। आज यहां पर गुलबर्गा में आकर के मरहूम कायद जनाब फजल इस्लाम साहब को अपने हल्की जबान से कुछ ना कुछ कह के जा रहे हैं। हमारी नॉर्थ एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा के खिलाफ आप वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी सोच को जाहिर करता है, आपकी जहनियत को साबित करता है कि आपके घर में या आपके जहन में खवातीन को लेकर के कितनी इज्जत है। पब्लिक डोमेन में आकर के किसी लेडी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह से ये कहना, क्या आपको लगता है कि आपने सही किया है? मैं आपसे अपील करता हूं, आप बैठ करके सोचिए कि आपने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि मुसलमान खवातीनों को भी सरेआम बदनाम करने की साजिश की है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान ऐसे देने वाले थे, ऐसे हो गए, मुसलमान भिखारी हो गए। आप पूरी कम्युनिटी पर तोहमत लगा रहे हैं, आप पूरी कम्युनिटी को भिखारी कह रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग एहतजाज करेंगे और हर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ आपके खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी, और कानून को अपने हाथ में न लेते हुए, कानून का सहारा लेते हुए आपके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि 153 सेक्शन के तहत या जो भी एप्लीकेबल सेक्शंस है उसके तहत इनके ऊपर डिफेमेशन केस होना चाहिए। इन्होंने मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, इन्होंने मुसलमानों के पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, पॉलिटिकल लीडरशिप को हर्ट किया है, और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश की है। दूसरी चीज ये रही कि ये कहते हैं मेरे पास प्रूफ है, ये है, वो है, फलाना है। हर चीज आपके पास प्रूफ है तो आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं, वो भी अब? आपकी रिपोर्ट 2012 में टेबल की गई थी, 2012 के बाद से अब तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मानते हैं 5 साल हमारी सरकार थी, लेकिन आपकी भी तो सरकार थी, आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार दिल्ली में भी है, कोर्ट तो आपके ही है,
आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला कैसे दिया है, जो जमीन हमारी थी 25 साल से हमारे पास प्रूफ रख करके हम लोग लड़ते रहे, उस जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ भाईचारगी के नाम पर किसी और के हवाले कर दिया। तो आप उन पर सवाल उठाइए ना, अगर आप वाकई में मुसलमानों का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप अपने गवर्नमेंट से कह करके वो जमीन को वापस लीजिएगा। अगर वो जमीन को आप वापस लेते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, हर एक गांव को जाएंगे, वहां खुद जाकर के हम लोग जांच करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इसके ऊपर CBI जांच हो। लेकिन शर्त यह है कि आप उस मस्जिद की जगह पर बात कीजिए, उसके बाद हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। ना कहते हुए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अनवर मणिपड़ी जैसे लोगों के बहकावे में मत आइए। ये लोग समाज में इंतजार पैदा करने, कौम में इंतजार पैदा करने का काम कर रहे हैं। चूंकि चुनावी सरगर्मियां अब आने को हैं, ये ऐसे RSS के 2% के गुंडे आपके सामने आते रहेंगे, BJP के दलाल आपके सामने आते रहेंगे, ये आपकी लीडरशिप को सवाल करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन इनके बहकावे में मत आइए। आप बखूबी जानते हैं कि जनाब खानुलस्लाम साहब ने गुलबर्गा के लिए क्या किया है, मुसलमानों के लिए क्या किया है, कर्नाटका के मुसलमानों के लिए क्या किया है। आप बखूबी जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इनके खिदमत को हम नहीं भूल सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कारनामा जनाब खानुलस्लाम साहब का यह रहा कि उन्होंने सबके दिलों में भाईचारगी की बीज को बोया है। आज उनके मौजूद न होने पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो गुलबर्गा का अमन बरकरार रखे हैं, इसको आप कतई नहीं भूल सकते। और ऐसे ताकतों को बिल्कुल सीधे तरीके से जवाब दीजिए। और इतना कहते हुए मैं फिर से एक बार कहता हूं, जो अनवर मणिपड़ी ने कहा है, जो एलिगेशंस लगाए हैं, हम उनको नकारते हैं, इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, और अनवर मणिपड़ी की रिपोर्ट को और उनके ख्यालात को हम अपने जूते की नोक पर मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम।